नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। इस वक्त की जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, रिजर्वेशन में क्या रूल्स है, रेगुलेशन से बहुत बड़ी एक एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। 1972 एज की यानी 46 साल को कैंडिडेट को कैसे सिलेक्ट कर लिया जाता है, एक बहुत बड़ी समस्या है। कट ऑफ क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? अगर आप में इतनी सत्यता है, आप सच्चाई पर लड़ते हैं, तो क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? जनरल में 60 से 65 सीट कैसे बचेगी जबकि 2498 सीटें होती हैं, 2498। ये तमाम ऐसे क्वेश्चन है जो आपको हम सिलसिलेवार ढंग से पूछेंगे और रिजर्वेशन के रूल बताएंगे। हमारे साथ दीपक जी हैं, ये काफी एक अच्छा एनालिसिस करते हैं, इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे और आपके माइंड में जो चीजें चल रही हैं उस पर हम पूरा कोशिश करेंगे। एक सत्य और फैक्ट्स के साथ हम आपके सामने आ रहे हैं। पहले तो दीपक जी आपका स्वागत है, आप एसटीजी न्यूज चैनल पर आए। पहला क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूंगा दीपक जी कि रिजर्वेशन को बंटवारा कैसे हुआ? दूसरे स्टूडेंट जो है, दूसरे स्टेट के स्टूडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा सीट जो है मैं धांधली हुई है, आप इसको कैसे प्रकाश डालना चाह रहे हैं? देखिए रमेश जी, पहले तो एसटीजी न्यूज के सभी व्यूअर्स को और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमें बुलाए आपको। ये रिजर्वेशन का जो बंटवारा है, ये पहला नंबर तो रिजर्वेशन समझिए क्या है। रिजर्वेशन हर एक राज्य अपना अपने ढंग से, रिजर्वेशन भारत के संविधान रिजर्वेशन को अपने अपने ढंग से प्रायोरिटी दे करके सही करती है, अपने ढंग से बनाती है। तो बिहार का जो रजिस्ट्रेशन है 1992 एक्ट के तहत अभी चल रही है, जो 2003 में अमेंडमेंट भी इसका किया गया है। क्या अमेंडमेंट है, कुछ हमें समझाएं। हाँ, अमेंडमेंट ये होते हैं वो समय समय के साथ, 2003 में 2006 में ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया जाता है। अगर किसी का कोई किसी ने एफआईआर किया कि भाई इसमें थोड़ा सा गलती है, ये है, तो वो सुधार किया जाता है। लेकिन जो बेसिक रूल है वो बिहार रिजर्वेशन एक्ट 1992 वही चल रहा है अभी भी। तो उसी के आधार पे जितना भी है, बीटीएससी है, चाहे दरोगा बहाली है, चाहे कोई भी बहाली आती है, तो उसी एक्ट के तहत आती है। वही रूल फॉलो होते हैं हर एक वैकेंसी में। रूल की जब बात करते हैं तो आपको नहीं लगता कि जब जनरल की सीटें 60 से 65 जो सीटें अब खाली रह रही है, ये जनरल वाले जो अदर स्टेट को देना चाहिए था, आपको नहीं लगता? देखिए, 60 से 65 जो सीट खाली है वो एक्चुअली में खाली नहीं है। जैसा कि रमेश जी आपको भी पता होगा कि 132 अभ्यर्थियों की फाइलें रोकी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी 216 लोगों का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है जो बिहार के बाहर के अदर दूसरे राज्यों के हैं। तो उस 132 में से उनका, देखिए, पहला नंबर आपको ये समझना होगा कि बाहर वाले राज्य को अभ्यर्थियों को कितना प्रतिशत आरक्षण है, पहला ये समझिए, उसके बाद ही आप समझ सकते हैं कि कितना कैंडिडेट को लिया जाएगा और कितना को नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल। यहाँ तो सर पहले बात समझिए, मैं थोड़ी सी जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, जो स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं कि 2498 में से 2433 को सिलेक्ट कर लिया जाता है और 60 से 65 सीट बोलते, तो आक्रोश तो होगा ना दीपक जी, इस बात को मानते हैं ना? इसका तो जवाब आपको देना पड़ेगा ना रमेश जी। आप एसटीजी न्यूज चैनल, एक ये न्यूज चैनल है, कोई मतलब कोई गलत चीज आप कितना भी कुछ कर लीजिए, जो फैक्ट है, जो रूल रेगुलेशन है, उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। आप सच्चाई ही बताइएगा और सच्चाई से पीछे नहीं मुड़ सकते हैं। तो उस सच्चाई को बताइए ना, कैसे आप 10% कह रहे हैं, 9130 की 10% कह रहे हैं कि 2498 की 10% कह रहे हैं? यहाँ भी बड़ी कंफ्यूजन है। देखिए, पहला नंबर तो अगर आप समझिए यहाँ पे इस बात को, आपका व्यूअर्स भी जो जो समझदार है, जो गूगल का भी सहायता ले सकते हैं, हर जगह देख सकते हैं। पहला नंबर तो जो स्टेट की वैकेंसी, राज्यों की वैकेंसी आती है, उसमें आरक्षित सीटों के लिए सिर्फ वहाँ के बिहार के लोकल, जैसे बिहार बीटीएससी ने निकाला नर्स के लिए, तो 66% के आसपास सीट वो आरक्षित है, मतलब उसमें रिजर्व है, बिहार के लोग ही उसमें रह सकते हैं, बाहर नहीं आ सकते हैं। अगर ऐसा रहता तो राजस्थान हो गए, जो यूपी हो गए, वहाँ के भी लोग तो SC ST कुछ तो है, लेकिन उन्होंने जनरल में क्यों फॉर्म अप्लाई किया, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है आरक्षित सीटों के लिए बिहार के लिए। कैसे दीपक जी आप बात कर रहे हैं इस जगह पर, आप मैं भी नहीं आपकी बात को मानूंगा, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए, यही स्टूडेंट थे 2015 में इनकी सिलेक्शन हो रही, आज उनके लिए रूल बदल गया।
देखिए देखिए रमेश जी, 2014 जो 15 और 14 में वैकेंसी आई थी उस समय एक नियमावली बनी थी, जीएनएम नियमावली 2014 पे सिक्स पे थी। हाँ, उस नियमावली का बताइए, उसमें क्या था ऐसा? उस नियमावली में ये था कि 50 नंबर आपको 0.5 से मल्टीप्लाई होता था उस समय। 50 नंबर का था कि आपका मेरिट पे बनेगा, 25 नंबर जो था वो हर एक साल का 5 नंबर जोड़ के 25 नंबर अधिकतम था जो संविदा पे काम कर रहे थे, और 10-15 नंबर का उसमें इंटरव्यू था। लेकिन इस बार इंटरव्यू नहीं था और इसका 60 नंबर इस बार दिया गया था। तो दीपक जी, आपसे समझना चाहूंगा, क्या इंटरव्यू की वजह से बच्चे रह गए, इसलिए कुछ समय इंटरव्यू था इस बार? नहीं, यहाँ रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन तो आप अच्छे से क्लियर करिए। 10% वाले जो आप बात बोल रहे हैं, यहीं पर सारा समस्या का समाधान है। अगर आप अच्छे से इसके फैक्ट्स का सांस बताएं तो हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनको काफी हद तक दूरी होगी जो उनके अंदर समस्या चल रही है। देखिए 2015 में भी 2433 जनरल के सीट थे, 2014 में भी 2300 कुछ, मुझे पूरा एक्यूरेट नहीं याद है, लेकिन 2344 के आसपास या कुछ थे सीट। उस समय भी मुश्किल से 275 या 300 ही अदर स्टेट हुए थे। बिहार का जो रूल है, जनरल का जो सीट होता है वो 60% जो है वो निश्चित रूप से रहता है कि रिजर्वेशन बिहार वाले ही रहेंगे। तो बाकी 40% जो सीट बचते हैं उसमें बिहार के भी और अदर के भी जिसका मेरिट आएगा वो उनका हो सकता है। जरूरी नहीं है कि 10-11% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। मतलब आप क्या मानते हैं कि एक स्टेटमेंट में एक लाइन से मानेंगे आपके दीपक जी, कि आपका क्या मानना है कि अगर मैं 2498 के 10% निकालूं तो तकरीबन कितना बनता है, तकरीबन कितना और कितने की सिलेक्शन हुई है, इसमें थोड़ा डिफरेंट आप बताइए जब इतनी आप बातें कर रहे हैं। तो 2498 सीट है तो 10% 249 कुछ आएगा। हाँ, और सिलेक्शन कितने की हुई है, सिलेक्शन फिर कितनी की हुई है अंतर वाली की? बाहर स्टेट वालों की 216 का सिलेक्शन अभी हुआ है रमेश जी, तो और 132 जो फाइल पेंडिंग है उसमें से 33-35-40 हो सकते हैं उसमें हम निश्चित रूप से, लेकिन 249 से कम नहीं होंगे, ज्यादा 1-2-5-10 हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये रूल है कि कोई भी राज्य 10% मिनिमम आरक्षण अदर स्टेट को देंगे ही देंगे। तो अदर स्टेट का यानी आपके कहने के हिसाब से ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो ये लिस्ट निकाली है वो सच है? ये 100% सत्य है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अगर किन्हीं को लगता है त्रुटि है तो वो एक होता है डिप्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, वो आओ न ताओ देखो वाली बात हो गई, लेकिन इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। जो जो लोग समझते हैं वो गूगल पे भी देख सकते हैं, इसमें कोई छुपा हुआ बात नहीं है। रिजर्वेशन एक्ट क्या है, बिहार का नहीं है, ये कोई भी लोग देख सकते हैं। तो आप फिर कहना चाहते हैं फिर बच्चे के अंदर आक्रोश क्यों? वो भी बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको भी आज नेट की फैसिलिटी है, जो हम पीडीएफ दिखा रहे हैं जो हमारे स्क्रीन पर दिख रही है ये सारा डिटेल तो वो भी निकाल सकते हैं, वो भी तो देख सकते हैं, इसलिए कि यही तो फैक्ट्स है हमारे सामने जो दिखाया जा रहा है। बिल्कुल रमेश जी, देख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। एसटीजी न्यूज हमेशा फैक्ट ही लगती है और फैक्ट ही है। झूठ को झूठ का बोल देने से हम अभी झूठ बोल दे, आप भी झूठ बोल सकते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और बच्चे लोग देखेंगे गूगल पे, भाई ऐसा तो है नहीं, तो फिर क्या सत्यता रह जाएगी? सही बात। एक आपसे एक और तीखा सवाल लूंगा जो मेरे पास आ रहा है। तीखा सवाल ये था कि जिस तरह से 1972, आप समझ लीजिए आज से 46 साल पहले की बात है, वैसे डेट ऑफ बर्थ के कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है जो कि रूल के अकॉर्डिंग कहता है कि 40 से ज्यादा नहीं होगा, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो बहुत सरासर ना इंसाफी है ये तो। देखिए रमेश जी, इसके लिए आपको विज्ञापन पढ़ना पड़ेगा। क्या विज्ञापन? विज्ञापन में आप दूसरे पेज पे देखिएगा, आयु सीमा दिया हुआ है उसमें आरक्षित वर्ग के पुरुष को 37 साल है अधिकतम, अनारक्षित वर्ग का 40 साल है, पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी या ईबीसी है उसका पुरुष हो या महिला हो 40 साल है, और अनुसूचित जनजाति और जाति एससी एसटी पुरुष महिला का 42 साल मैक्सिमम। ये हो गया, ये विज्ञापन का अनुसार हुआ।
तो इसके बाद जीएनएम, इसके बाद आप नीचे जब आइएगा उसी में लिखा हुआ है कि जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा मार्केबल बात कर रहे हैं, यानी संविदा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, आप कहना चाह रहे हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट पर कोई काम किया है तो अगर 40 के एज में है तो उसको 10 साल और मिलेगी, यानी इस लेडीज को 4 साल और मिल सकती थी, आप ये बात सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यानी 50 साल की एज तक भी ये सिलेक्ट होने के लिए, यानी एलिजिबल होने के लिए ये लेडीज थी। देखिए ये जो आप रिजल्ट बता रहे हैं, हमने भी रिजल्ट को देखा, ये आप दूसरे रैंक पे इनका नाम है, बिल्कुल जनरल कैटेगरी से महिला बिलोंग करती हैं। बिल्कुल पीडीएफ में आपने जो दिखाया है बिल्कुल सच यहाँ दिख रही है। क्या ऐसे स्टूडेंट जो या फिर जो कैंडिडेट देख रहे हैं आज इंटरनेट के जमाना में वो भी देख सकते हैं ना इस चीजों को? बिल्कुल देख सकते हैं, और इससे भी ज्यादा, आपने 1972 दिखाया, मैं बता रहा हूँ 105 नंबर आप सीरियल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको 1968 का डेट ऑफ बर्थ के कैंडिडेट हैं। यानी आप कह रहे हैं कि मतलब इनसे भी 4 साल पीछे की कैंडिडेट का सिलेक्शन है? यस, यानी साफ साफ यहाँ यही निकल के आ रही है कि 10 साल जो है वही इनको बचा लिया है, आप सीधा सीधा यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, इसमें ये बिल्कुल सत्य बात है। उस पे 1998 में जो है वो एससी से बिलोंग करते हैं, जबकि एससी का 42 साल है, उसमें 10 साल आप ऐड करेंगे तो 52 ईयर तक जाता है। यानी 52 ईयर तक? यानी इसके हिसाब से जो बच्चों के बीच गलतफहमियां थी हम थोड़ा सा और अच्छे से समझा देते हैं कि साफ साफ इन्होंने कहा कि जो संविदा पे काम करने वाली हैं उनके लिए सरकार यानी बिहार सरकार ने अलग से एक रिजर्वेशन दे रखी है 10 साल की, जो जैसा कि आप स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आप देखिए और यही आपकी डाउट को क्लियर कर देगा। रूल के अकॉर्डिंग जो आपको पीडीएफ दिखाया जा रहा है, जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसी में ही सच्चाई है। कोई भी अगर आपको मिसगाइड करता है तो ऐसी बातों का आप ध्यान ना दें। अगला क्वेश्चन आपसे दीपक जी मैं लेना चाहूंगा, कट ऑफ, आखिर इतनी बातें आप करते हैं, इतनी बातों बिहार में सत्यापते हैं, लोग कह रहे हैं कि बिहार में धांधली हुई है, उसी पर मैं बात करना चाहूंगा आपसे। आपको नहीं लगता कि जब इतना आप लोग सच की बात करते हैं तो कट ऑफ ही क्यों नहीं दिखा दिया आप लोगों ने? कट ऑफ वेबसाइट पर आप दिखा देते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अगर मान लीजिए मेरा आता 80%, मान लीजिए 81% है तो मेरे को तो क्लियर हो जाता ना कि मैथ्स मेरा, चलिए भाई 81 नहीं था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आप कट ऑफ क्यों नहीं दिखाया, आपको इसमें क्या दिक्कत थी? देखिए रमेश जी, कट ऑफ की बात यहाँ है, आप हमें वैकेंसी बता दीजिए जिसमें मेरिट पे बेस पे एग्जाम हो और उसका कट ऑफ जारी होता हो। एक दो अपवाद है, अमीन जैसे हैं, अमीन का हुआ तो अमीन का जब कोर्ट में गया केस, ठीक है, कोर्ट में जब केस गया तो वहाँ पे बीटीएस, वहाँ पे जो विवाह था उन्होंने कट ऑफ बताया। इसमें भी कट ऑफ कोई बड़ी बात नहीं है, कट ऑफ अगर केस होता है, जब 2014 में भी यही हुआ था, कट ऑफ जारी नहीं किया गया था, लेकिन जब हुआ तो मेरे पास है, हमारे पास कोर्ट में बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने कोर्ट में दिया था उस समय कि भाई इतना इतना कट ऑफ है हमारा, उसकी जांच हुई थी, कहीं गलत नहीं पकड़ाया था। और इसका बात जो है धांधली की, एक बात बता देते हैं आपको, किसी के सर्टिफिकेट का 1 नंबर कोई नहीं बढ़ा सकता है। तो ये सब इतने बिहार पर एलिगेशन क्यों लगते हैं, कुछ तो ऐसा होगा? देखिए बाहर जो भी है समझने की कोशिश करे, रिजर्वेशन क्या अनारक्षित, आप वो सभी लोग, मैं भी न्यूज देखता हूँ, मैं भी आपकी चैनल से लगातार जुड़ा रहता हूँ, 9130 की बातें करते हैं, लेकिन 9130 की बात कौन कर सकता है? आप 6600 सीटों पे तो कुछ फाइट भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते हैं उसको। और बहुत लोगों का कहना है कि रिजर्वेशन में जो जनरल की सीटें हैं उसमें एससी के लोग कैसे चले गए, एससी के लोग कैसे चले गए, बीसी के लोग बिहार वाले कैसे चले गए? तो ये रूल ही है, रूल रिजर्वेशन का प्रथम रूल ही है कि रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी, उसका मतलब हुआ अनरिजर्व, यूआर कहा जाता है उसको, अनरिजर्व में कोई भी जा सकता है जो मैं जनरल का कट ऑफ पार करेंगे। यानी साफ साफ आप कट ऑफ को लेकर एक बहुत ही बड़ी आप मार्केबल बात बोल रहे हैं जो कि सभी को समझना चाहिए कि जिसका कोई लिखित पेपर नहीं होती है, कोई एग्जाम नहीं होता है, वैसे के कभी भी
उसका जो है कट ऑफ नहीं निकलता है। अगर आप रिटर्न एग्जाम दिए होते, यही प्रोसीजर कोई दूसरी स्टेट में होते तो वहां मान सकते, लेकिन इनका मानना है। और ऐसा दीपक जी इसमें और ऐड करना चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि 2015 में भी कट ऑफ दिखाया गया था या नहीं दिखाया गया था? 2015 में कट ऑफ नहीं दिखाया गया था, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब दूसरी बार एफआईआर दर्ज हुई थी तो कोर्ट में आयोग ने दिया था कि हमने ये हमारा कट ऑफ ये था। इसमें भी अगर कोई भी आरटीआई लगाएंगे तो उनको कट ऑफ दे दिया जाएगा, इसके लिए कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। कट ऑफ मांग सकता है, मिल जाएगा कट ऑफ उनको। अच्छा एक बात आपसे समझना चाहूंगा, ये बच्चे बार बार कहते हैं, मैं फिर से वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूं, आप उसको और अच्छे से जवाब दीजिए कि 2015 से मैं बहुत सारे कैंडिडेट आए थे, उनका एक कहना है कि जब उस समय हमें ले लिया गया सारे रिजर्वेशन वही बिहार, तो 2020 में क्यों नहीं लिया गया? आप रिजर्वेशन की बात किए हैं, मैं जानता हूं कि 10% की आप बात कर रहे हैं, हमें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, थोड़ा सा और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए कि जो लोग देख रहे हैं आपको बातों को समझे, इसलिए कि बहुत बड़ी समस्या यहीं से निकल के आ रही है। वो कह रहे हैं बार बार कि 2015 का रूल अलग है, 2020 की रूल कैसे अलग हो सकता है? देखिए 2015 में 2014 का नियमावली पे वैकेंसी आई थी, बताइए उस समय भी मेरे पास 2014 का रिजल्ट है, उसमें हम काउंट किए हुए हैं रमेश जी की 307 आउटर स्टेट के कैंडिडेट हुए थे 2433 सीटों पे। कितना हुए थे दोबारा से बताइए, कितने कैंडिडेट थे? 2433 में से 307 कैंडिडेट अदर स्टेट के थे सिर्फ, तो 10% से तो ज्यादा हो गए ना, तो पूरा का 10%। बिल्कुल आपको मैंने क्या बताया, 10 से 14% 10 से 40% तक वो सीट खुला रहता है कोई भी, लेकिन मिनिमम 10% रहेंगे, 12% भी हो जाएंगे, 15% भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तो आप पूरा का 10% हो गया 300 के आसपास बता रहे हैं, यहाँ फिर आप 9130 की आप क्यों नहीं बता रहे हैं? इसके पास तो 900 के आसपास हो जाएंगे कैंडिडेट फिर तो। नहीं नहीं देखिए 9130 में आरक्षित सीट भी आती है ना 4700, इसी को तो क्लियर कीजिए ना, इसी चीज को तो उनके डाउट है, वही तो हम चाह रहे हैं। अदर स्टेट से जो है उनको आरक्षित सीट से कोई लेना देना ही नहीं है, अदर स्टेट SC BC EWS में आ ही नहीं सकते हैं, वो जनरल में ही फाइट करेंगे, उनका फॉर्म भी जनरल में डलाया गया था। आप देखिए नियम, आप विज्ञापन में देखिए क्लियर शब्दों में लिखा हुआ, आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो बिहार राज्य के निवासी हैं। यानी साफ साफ कह रहे हैं कि जो बिहार के निवासी हैं उनको ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एक चीज और समझना चाहूंगा, एक बड़ा सा ग्रुप में जैसा कि हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन में यह दिखाया जा रहा है कुछ BNRC का है जो डॉक्यूमेंट है सर्कुलेट हो रहा है ग्रुप में, और बताया जा रहा है कि BTSC से रिजल्ट आउट हो गया है, ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट में फॉल्ट है। ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों BTSC को इसके बारे में नहीं पता या फिर गलत डॉक्यूमेंट को चेक नहीं करती? देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये 10 दिन पहले आया था, ठीक है, बड़ी बात हमारे लिए है सर, इसलिए हमारे लिए है, वैसे बच्चे के लिए है, आप इसको बताइए सही से। बिल्कुल बिल्कुल इसके बारे में हम बता रहे हैं, आप रिजल्ट का पहला पेज ही जब देखिएगा, हाँ रिजल्ट का पहला पेज ही देखिएगा तो नोट का पहला ही लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों द्वारा काउंसलिंग में प्रस्तुत किए निबंधन प्रमाण पत्र के आधार पर चयन सूची तैयार किया गया है, किसी भी स्तर पर गलत फर्जी पाए जाने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ये कौन करेगा, BTSC करेगा कि स्वास्थ्य विभाग करेगा, इस पे भी क्लियर कीजिए आप। देखिए BTSC का काम नहीं है, उनका काम है रिजल्ट प्रकाशित करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम स्वास्थ्य विभाग करती है, ओरिजिनल स्वास्थ्य विभाग अभी अब तक की जमा होगी, और स्वास्थ्य विभाग अब उसकी डॉक्यूमेंट से जांच करके अगर फर्जी पाए जाएंगे तो उन पे कार्रवाई होगी और उनसे जो भी होगा वो वसूली भी की जाएगी। एक बात दीपक जी आप साफ साफ कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि BTSC से वो बच गए हैं लेकिन स्वास्थ्य विभाग से वो नहीं बचेंगे, उनके ऊपर जो भी पुलिस की कार्रवाई या फिर जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होगी वो होगी, यानी वैसे स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि जिनका गलत तरीके से हो गया उसकी खैर नहीं है, यानी उनको तो बाहर होना ही पड़ेगा, ये निश्चित रूप से होना पड़ेगा, और ये पहला ही पेज में बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने लिखा है, प्रॉपर वे में लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल हम इस चीजों को समझ रहे हैं, बिल्कुल हम समझ रहे हैं, और यही ऑडियंस को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं
कि एसटीजी न्यूज चैनल ही एक वेरीफाइड चैनल है, आपको हर फैक्ट दिखाता है और सच की लड़ाई लड़ता है। आप भी इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप भी उसका मंथन कीजिए। अच्छा एक बात बताइए दीपक जी, आपके अकॉर्डिंग इस रिजल्ट को आप कैसे देखते हैं? अगर रेटिंग में देखना हो तो आपको मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं समझाऊं, 100 में से कितना मार्क्स आप देंगे इसको? देखिए उससे पहले एक चीज और, मैं न्यूज चैनल पे व्हाट्सएप पे वगैरह आता है, देखता हूँ कभी कभी, सिलिक को लेकर सबसे ज्यादा समस्या है। किसके लेकर? बिल्कुल सही बोले, तो क्वेश्चन हमारे लिए छूट ही गया था। ये बहुत बड़ी समस्या और बहुत लोगों की एक क्वेश्चन से मैं आपसे वही चीज पूछना स्लिप करूंगा कि स्लिप वाले के बारे में क्या कहना चाहेंगे, स्लिप वाले के क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा आप इसके बारे में बताइए। देखिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है, जो नोटिफिकेशन है 4 अक्टूबर 2019 का, बिल्कुल, जिसमें फॉर्म में क्लियर कट लिखा हुआ है, वैसे अभ्यर्थी जो बिहार परिचायक निबंधन परिषद से निबंधित प्रमाण पत्र नहीं लिए हैं, काउंसलिंग का सत्यापन के समय काउंसलिंग करा लेंगे, बिल्कुल, नहीं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। उसने क्लियर कट नोटिफिकेशन जारी करके रखा था। बिल्कुल, तो एक बात बताइए ना, ये लोग बच्चे कहते हैं कि हमें टाइम नहीं दिया गया, आप क्या मानते हैं कि इनको टाइम नहीं दिया गया? फिर जब ये सब नोटिफिकेशन उन्होंने पढ़ा होगा, फॉर्म अप्लाई भी किया होगा, तो वहां भी यस और नो का ऑप्शन था, तो क्या बच्चे को क्या था, मतलब इन्होंने क्यों नहीं किया या फिर इनको टाइम नहीं मिला, इसलिए कहते हैं कि बार बार ये कहते हैं कि हमारे पास जो कमेंट बॉक्स में कि हमें टाइम नहीं दिया गया, हम कैसे करें सर, लॉकडाउन लग गया, तो इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर करें आप। देखिए लॉकडाउन लगा है 22 मार्च से, पहला नंबर समझिए, इसको थोड़ा डीप में समझना पड़ेगा। बीटीएससी ने सबसे पहले अनिवार्य रूप से जिसका रजिस्ट्रेशन था उन्हीं के लिए फॉर्म भरने के लिए बोला था, लेकिन उनका नहीं हो पाया, कैंडिडेट नहीं पूरे, तो उन्होंने कहा ठीक है अभी नहीं है आपके पास, लेकिन काउंसलिंग तक करवा लीजिएगा। 17 नवंबर को लास्ट डेट था फॉर्म भरने का, 17 नवंबर से भी आप अगर जोड़ते हैं 17 मार्च तक जमा करना था, तो आपके पास था 4 महीने, 4 महीने टाइम है, 4 महीने उनको टाइम दिया गया था, उससे पहले भी था टाइम, उससे अगस्त सितंबर ये सब में भी टाइम था, ऐसा नहीं था टाइम नहीं था, उनको लगभग 8 महीने टाइम दिया गया। अब 8 महीने कम होते हैं क्या? बिल्कुल 8 महीने तो बहुत ज्यादा होते हैं किसी फॉर्म के लिए, अगर 8 महीने अगर आप दे रहे हैं तो किसी भी हद तक ठीक है, इसलिए कि आपको नियुक्ति भी करनी है, अगर एक चीज को लिए आप 4 महीने 8 महीने दे रहे हैं ये तो बहुत ज्यादा टाइम है। तो आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि ऐसे बच्चे आखिर क्यों नहीं दिया, आखिर उनको क्या मजबूरी रही होगी, कुछ आप आइडिया ओवरऑल आपको कुछ थोड़ा सा समझाएं शब्दों में। देखिए रमेश जी, सच्चाई पे चलना चाहते हैं तो थोड़ा सुनना पड़ेगा, और हम चाह रहे हैं कि सच्ची आए, एसटीजी न्यूज चैनल फैक्ट्स की लड़ाई लड़ता है, चाहे किसी को कुछ भी हो सच की लड़ाई लड़नी है। देखिए जो बिहार के अभ्यर्थी थे लगभग उन्हें रजिस्ट्रेशन करा ही लिया था, ठीक है, लेकिन जो बाहर के थे वो किसी ना किसी प्रकार के कोई जॉब में सीएचओ हो गया या संविदा पे अपने अपने राज्य में कर रहे थे, वहां उनका उनका कारण क्या था कि अगर यहाँ का रजिस्ट्रेशन वो बिहार ट्रांसफर करवाते तो वहां की नौकरी से उनको हाथ धोना पड़ता। 2014-15 में ऐसा हो चुका था कि बाद में भी रजिस्ट्रेशन दिया गया था उस नियमावली के तहत, लेकिन इस नियमावली के तहत ऐसा कुछ नहीं था, रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग तक जमा करना था, लेकिन इन्होंने अपने नौकरी बचाने के लिए सोचे बाद में कर देंगे, इसलिए करा नहीं पाए। बिल्कुल, बल्कि यानी इनको टाइम दिया गया, लेकिन जो नियम की चेंजिंग की आप बात कर रहे हैं जिस तरह से कि नियमावली में कि अगर आपने चेंज कर लिए तो वहां की नौकरी से आपको हाथ धोनी पड़ती, इसलिए इनके अंदर कुछ डर था कि सिलेक्ट होंगे तो हम इस टाइप के कुछ कैंपेनिंग करेंगे, जो अभी हालात बन रहे हैं। बिल्कुल, और इस चीज और हम रमेश जी आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, हाँ, कि देखिए किसी भी प्रकार का कोई भी कुछ होता है, अगर सरकार की गलती रहती है या रिजल्ट में धांधली होती है तो कुछ बात हो, यहाँ किसी भी प्रकार से रिजल्ट में कोई धांधली हुई ही नहीं है, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप कहाँ पटना जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या मानते हैं जो 4,000 की सीटें हैं इनको क्या देख रहे हैं आप, कि दोबारा से वापस निकाला जाएगा?
मैं दोबारा से वही क्वेश्चन आपसे रिपीट करूंगा कि ये 4000 जो बच्चे हैं इसको आप कैसे देख रहे हैं, इसलिए बहुत समस्या है और ये बहुत आक्रोश में है। देखिए रमेश जी, ये कहना उचित 100% श्योर होकर मैं नहीं कर सकता हूँ कि क्या करेगी, लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग पे डिपेंड करता है, सरकार पे डिपेंड करता है कि चांस दे दे। कोरोना है, अभी महामारी चल रही है, तो अगर स्वास्थ्य विभाग चाहेगी उनसे अगर रिक्वेस्ट लोग करेंगे तो इसका कुछ उपाय निकाल सकती है। यानी लीकेज है अभी भी संभावना की चांस, आप कह रहे हैं कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं है, कुछ है कि जिसमें हम कुछ जीत सकते हैं, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल संभावना है, संभावना से कोई इंकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल आप आए, अगर आप भी इसके अलावा भी कुछ अगर कहना चाहते हैं जो मेरे से छूट गया है, इसलिए कि आप एक विशेषज्ञ हैं और आपको मेरे से अधिक जानकारी होगी इस मुद्दे पे, तो आप भी अपनी बात अगर कुछ रखना चाहते हो तो रख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन यही था। नहीं देखिए, जो भी है सब ठीक है, इसके रिजल्ट में कोई धांधली नहीं हुई है, हमारे लिए कोई दूसरे प्रदेश के लोग भी हमें, हम सब भारतीय पहले आते हैं, इसके बाद ही कोई अलग अलग राज्यों से आते हैं, मतभेद नहीं रहनी चाहिए, जो है सत्य सत्य के साथ रहना चाहिए, जो रूल है जो रेगुलेशन है उसी को फॉलो होता है हर चीज। हम किसी भी अभ्यर्थी को कोई ना आयोग पहचानती है ना सरकार पहचानती है, किसी से कोई मतभेद नहीं रहता है पर्सनली। यानी साफ कहना चाह रहे हैं कि फैक्ट्स की लड़ाई लड़िए, सच की लड़ाई लड़िए, जो कि एसटीजी न्यूज चैनल आपको फैक्ट्स दिखाया, जो स्क्रीन पर आपको दिखाया गया, हमने भी नेट से डाउनलोड किया है, आप भी नेट से डाउनलोड करके इस फैक्ट्स की लड़ाई लड़िए, किसी की बहकावे में मत आइए। इसलिए हम आपके बताने का मतलब यही था कि आपके सामने फैक्ट्स रखा जाए और इस फैक्ट्स पर काम करके ही कुछ स्टेप आप उठाइए। हमारा मकसद सिर्फ आप तक नॉलेज पहुंचाना है, सच को सामने रखना है, डिसीजन आपको लेना है, इसलिए कि जहां आप आगे जाएंगे सच की लड़ाई होगी, फैक्ट्स की लड़ाई होगी, किसी के मुंह से बोलने से कुछ नहीं हो सकता। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही था। दीपक जी, आपने इतने अच्छे से एनालिसिस किया, इससे काफी हद तक डाउट बच्चों को क्लियर होगा, फिर भी रह जाएगा तो हम अगले सेशन में जो बच्चे अगर बोलते हैं आपसे इंटरव्यू करने के लिए, अगर आपके पास वक्त होगा तो हम आपके साथ जरूर अगली इंटरव्यू करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही, आप टाइम निकाले इसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रमेश, वक्त हो गया है आज के लिए इतना ही, खबर है वक्त हो गया है विदा लेने का, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे थे इस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।